नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। केंद्र सरकार ने अगले सप्ताह शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के लिए बुधवार को सूचीबद्ध किया 18 विधेयक। इनमें महिला आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी तक बढ़ाने संबंधी 2 और आपराधिक कानूनों को बदलने के लिए 3 विधेयक शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होकर 22 दिसंबर तक चलेगा। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने की पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तारीफ, तो दूसरी ओर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, आज संविधान पर हो रहा है हमला, संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है और संविधान की बुनियादी आत्मा को किया जा रहा है तहस नहस। संस्थानों, व्यवस्थाओं और सिद्धांतों को किया जा रहा है दरकिनार। सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए लड़ रही है लड़ाई और खड़गे इस लड़ाई में कांग्रेस पार्टी का कर रहे हैं नेतृत्व, इसलिए खड़गे वर्तमान माहौल में कांग्रेस के सबसे उपयुक्त अध्यक्ष, इसमें उन्हें मेरा और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन। तेलंगाना की 119 सीटों पर आज हुई वोटिंग। 3,26,00,000 मतदाताओं ने 2,290 उम्मीदवारों के लिए किया वोट। तेलंगाना के 106 निर्वाचन क्षेत्रों में गुरुवार की सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक और 13 वामपंथी उग्रवाद प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक हुआ मतदान। मुख्य निर्वाचन अधिकारी विकास सिराज के मुताबिक विधानसभा चुनाव के लिए ड्यूटी पर तैनात किए गए तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा कर्मचारी। 3 दिसंबर को होगी वोटों की गिनती। डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए फाइनेंशियल फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मोदी सरकार लाने जा रही है एक बड़ी योजना। 4 घंटे में ट्रांजैक्शन को रिवर्स करने के लिए डिजिटल पेमेंट पर एक सुरक्षा उपाय शुरू करने जा रही है सरकार। इसके तहत IMPS, RTGS और UPI समेत पहली बार 2,000 रुपए से अधिक के डिजिटल लेन देन के लिए 4 घंटे की सीमा निर्धारित किए जाने की संभावना। GST रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और आसान करने जा रही है सरकार। नया वित्तीय वर्ष शुरू होने से पूर्व आएंगे अब पहले से भरे हुए GST रिटर्न फॉर्म। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय की इस पहल से अनावश्यक टैक्स नोटिस की परेशानियों का निपटान होगा अब आसान। सूत्रों के अनुसार GST अधिकारियों के पास डेटा में मिलान न होने की एक बड़ी समस्या, जिससे अनावश्यक नोटिस जारी होने से लगातार बढ़ रही है इनकी संख्या। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे के मेगा प्लान के बारे में दी जानकारी। कहा, यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही पूरी की जाएगी कई योजनाएं। बुलेट ट्रेन की शुरुआत, हादसों को रोकने के लिए कवच सिस्टम और ट्रेनों की संख्या बढ़ाने समेत कई जरूरी योजनाओं की रेल मंत्री ने की चर्चा। साथ ही उन्होंने कहा कि 2029 तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट हो जाएगी खत्म। अमरोहा शहर में एक शादी समारोह में आए दिल्ली के युवक का मंगलवार शाम कर लिया गया अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने उसकी मां के मोबाइल पर कॉल करके मांगी थी 5,00,000 रुपए की फिरौती। इस पर हरकत में आई पुलिस ने सर्विलांस टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस कर शहर में एक स्थान पर बंधक बनाकर रखे गए युवक का 3 घंटे के बाद किया रेस्क्यू। मौके से हिस्ट्री शीटर और उसके साथी को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने यूपी के मिर्जापुर से एक ऐसे युवक को दबोचा जो कई लड़कियों का यौन उत्पीड़न करने के बाद हुआ था फरार। कथित आरोपी के खिलाफ 2 हफ्ते पहले पुलिस के पास दर्ज कराई गई थी शिकायत, जिसके बाद पुलिस ने CCTV की मदद से की युवक की पहचान। जांच के दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि उसने कई लड़कियों का इसी तरह पहले भी किया है यौन उत्पीड़न। 23 वर्षीय विशाल कन्नौजिया के रूप में हुई है गिरफ्तार युवक की पहचान। मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी द्वारा दायर एक हस्तक्षेप याचिका को किया खारिज। भारत सरकार ने कोर्ट को बताया कि 13,000 करोड़ रुपए के PNB घोटाले की जांच के कारण देश छोड़कर भागे चौकसी ने एंटीगुआ में बनाया है अपना ठिकाना। दरअसल ICICI बैंक द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी अदालत, जिसमें PNB घोटाले की जांच के दौरान ED द्वारा जब्त की गई 2 संपत्तियों पर कब्जे की मांगी गई थी अनुमति। इन संपत्तियों की कीमत आंकी जा रही है 636 करोड़ रुपए। मुस्लिम संगठन जमीते उलमा हिंद ने हाल ही में एक स्थानीय कॉलेज में आयोजित फैशन शो पर जताई है आपत्ति, जहां बुर्का पहनकर रन पर उतरे थे प्रतिभागी। जमीते उलमा हिंद के संयोजक मौलाना मुकर्रम कासमी ने यहां जारी एक बयान में आरोप लगाया कि कॉलेज के आयोजकों ने एक धर्म को बनाया निशाना। इसके साथ ही पारंपरिक परिधान बुर्का के अपमानजनक चित्रण के लिए उनसे की माफी की मांग। मुंबई के पूर्व मेयर दत्ता दलवी की गाड़ी में अज्ञात उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता दत्ता दलवी ने किया था अब शब्दों का इस्तेमाल। शिंदे समर्थकों पर लगा पूर्व महापौर की गाड़ी में तोड़फोड़ करने का आरोप। पिछले दिन हुई थी दत्ता दलवी की गिरफ्तारी। फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए दत्ता दलवी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में लगातार हो रहा है शराब की बिक्री में इजाफा। मीरा भाईंदर भांडूप समेत मुंबई के कई इलाकों में बियर की बिक्री में भी हुई काफी बढ़ोतरी। सिर्फ ठाणे रीजन में बिकी 80 लाख लीटर बियर, तो वहीं मुंबई में बियर की बिक्री में हुई 104.55 लाख लीटर की वृद्धि। बियर के बाद भारत में बनी विदेशी शराब की खपत सबसे ज्यादा। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच का है ये आंकड़ा।
अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की बड़ी घोषणा, कहा 9 जनवरी 2024 से उड़ीसा में किया जाएगा कलिंगा सुपर कप का आयोजन। दरअसल उड़ीसा में दो अलग अलग स्थानों पर टूर्नामेंट के मैच आयोजित करने की है योजना। टूर्नामेंट के प्रारूप में चार चार टीमों के होंगे चार समूह, जो आपस में खेलेंगे सिंगल लेग मैच। जब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे ग्रुप विजेता, उसके बाद 28 जनवरी 2024 को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। हाल ही में तुर्की और सीरिया में आए भीषण भूकंप के बाद नेपाल में भी मची तबाही को देखते हुए वैज्ञानिकों ने दी एक राहत भरी खबर। भूकंप की घटनाओं के अध्ययन के बाद इस बात के संकेत मिले हैं कि जहां विनाशकारी भूकंप आए थे, वहां करीब साल भर पहले ही शुरू हो गई थी भूकंपीय गतिविधियां। यानी यदि तकनीक की मदद से संभावित भूकंप वाले क्षेत्रों में लगातार अध्ययन किया जाए तो साल भर पहले ही की जा सकेगी भूकंप की भविष्यवाणी, इससे कम किया जा सकेगा संभावित जानमाल का नुकसान। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में उठाए हैं कई बड़े कदम। टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का हो रहा है व्यापक इस्तेमाल। एक्सपर्ट का मानना है कि वित्त मंत्री 1 फरवरी 2024 को कर सकती हैं केंद्रीय बजट में इनकम टैक्स से जुड़े कई बड़े ऐलान। हालांकि ये बजट होगा अंतरिम बजट। पिछले दो दिनों में महाराष्ट्र के कुछ जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से कृषि और फलों की फसलों को हुआ व्यापक नुकसान और तकरीबन 1,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र हुआ प्रभावित। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में दिया निर्देश कि सभी जिलों के पंचनामे एक साथ समय पर पूरा करे राजस्व कृषि विभाग, ताकि किसानों का ना हो नुकसान और उन्हें तत्काल मिल सके मुआवजा। मुंबई से सटे नवी मुंबई के 38 वर्षीय व्यक्ति से 3 लोगों ने कथित तौर पर की 4,00,000 रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी। आरोपियों ने व्यक्ति को अच्छे मुनाफे के झूठे वादे करके बिटकॉइन ट्रेडिंग में पैसा लगाने का दिया था लालच। आरोपियों में 2 महिलाएं भी शामिल, जिन्होंने एक कंपनी से जुड़े होने का किया था बड़ा दावा और पीड़ित व्यक्ति को बिटकॉइन ट्रेडिंग में निवेश करने के लिए भेजा था एक कंपनी का लिंक। मामले की जाँच जारी। मुसीबत में पड़ गई हमेशा ही सुर्खियों में रहने वाली राखी सावंत। पहले राखी सावंत ने पूर्व पति आदिल दुर्रानी को खिलवाई जेल की हवा, अब उनकी भी जेल जाने की आ चुकी है नौबत। दरअसल मुंबई के अंबोली पुलिस स्टेशन में आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत। फिलहाल कोर्ट से राखी सावंत को मिली है 7 दिसंबर तक अंतरिम राहत। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता प्रेस्टीन केयर ने मुंबई, दिल्ली और उसके आसपास रहने वाले 4,000 लोगों का किया एक सर्वेक्षण। निष्कर्षों से पता चलता है कि दोनों शहरों के 60% लोग होना चाहते हैं स्थानांतरित, क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुका है वायु प्रदूषण। दिल्ली और मुंबई में दिन ब दिन खराब होती जा रही है हवा की गुणवत्ता। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मराठी बोर्ड न लगाने वाले दुकानों पर मुंबई नगर निगम ने शुरू कर दी है कार्रवाई। मुंबई नगर निगम ने दुकानदारों को दी थी 27 नवंबर तक दुकानों पर मराठी बोर्ड लगाने की डेडलाइन। अब इसी कार्रवाई के सिलसिले में मुंबई नगर निगम ने बुधवार को 3,575 दुकानों और प्रतिष्ठानों का किया दौरा। साथ ही मनपा प्रशासन ने की मुंबई की सभी दुकानों पर मराठी में नाम बोर्ड लगाने की अपील। बीजापुर के तहसील मुख्यालय भोपालपट्टनम में श्मशान में बिखरे पड़े प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष को लेकर जोर पकड़ने लगी है रिसर्च की मांग। साहित्यकार और स्थानीय लोगों ने की पुरातत्व विभाग द्वारा इस स्थल को अपने संरक्षण में लेने की मांग, ताकि इसके बारे में रिसर्च कर वहां के पुरातत्व धरोहर को लाया जा सके सबके सामने और उसे पर्यटन स्थल के रूप में किया जा सके विकसित। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर युवती की फर्जी आईडी बनाकर असली फोटो और वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को साइबर सेल और कुक्षी पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर युवती के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर अपलोड कर दिया था असली फोटो और वीडियो। जब अकाउंट की जानकारी युवती को लगी तो उसने निसरपुर चौकी पर पुलिस को दिया एक शिकायती आवेदन, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने की गिरफ्तारी की कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार करने के सुप्रीम कोर्ट के 30 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की समीक्षा याचिका। दरअसल जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया को जमानत देने से कर दिया था इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर निचली अदालत में ट्रायल में होती है देरी तो सिसोदिया 3 महीने के बाद दाखिल कर सकते हैं जमानत याचिका। चीन में बड़ी तेजी से बढ़ रही है फेफड़ों से जुड़ी रहस्यमयी बीमारी की रफ्तार, जो अधिकतर बच्चों को बना रही है अपना शिकार। स्थिति हो चुकी है कोरोना वायरस महामारी जैसी, चिकित्सालयों में लगी लोगों की भारी भीड़। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई को कोई नुकसान न पहुंचे, इसके लिए की गई है विशेष व्यवस्था। इसके लिए बनाए गए हैं होमवर्क जोन। चीन के बच्चों में बढ़ते निमोनिया के मामलों के बीच भारत में भी इसे लेकर तेज हुई सुगबुगाहट। भारत में कई ऐसे राज्य हैं जो इस वक्त अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मौजूद खामियों को ठीक करने में जुटे हैं। चीनी बच्चों में सांस लेने में तकलीफ के मामलों में लगातार देखी जा रही है वृद्धि, जिसके कारण देश के उत्तरी हिस्से में स्कूलों को करना पड़ा बंद। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन24 न्यूज के साथ। मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। We'll be right back.